जब चाचा हैं हमसे बड़े हैं तो स्वाभाविक उनकी भूमिका भी होगी उसमें। मैनपुरी के मतदाताओं ने सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को दी है। रामपुर में सरासर बेईमानी हुई है, ये इलेक्शन कमीशन के लिए दुखद बात है। ये मैनपुरी के मतदाताओं की नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं ने सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को दी है और साथ ही साथ नकारात्मक राजनीति को पराजित मैनपुरी की जनता और मैनपुरी की लोकसभा की जनता ने किया है। ये हमारी और खासकर सभी समाजवादी साथियों की जिम्मेदारी बनती है कि नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर हम लोग चलें। जो समाजवादी आंदोलन नेताजी यहाँ तक लेकर के आए हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएं। इस जीत ने यह संदेश दिया है एक परिवर्तन का भी, और वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को ऊर्जा भी मिली है। मैं एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं जिन्होंने चुनाव पूरी जिम्मेदारी से और नेताजी को याद कर करके मेहनत करके लड़ाया है, मैं उन सबको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। वहीं प्रशासन की कोशिश थी और शासन के आदेश पर जो कुछ भी रुकावट पैदा कर सकता था प्रशासन ने किया। जगह जगह फ्लैग मार्च, जो समाजवादियों के गांव थे उनको अपमानित होना पड़ा, लोगों की पिटाई हुई, जेल गए, रातों रात सो नहीं पाए, भागते रहे। और मैं उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने तमाम परेशानी झेली और इस प्रशासन का जो रवैया था उसका मुकाबला किया और उसके बावजूद भी नेताजी को ये इस लोकसभा क्षेत्र से एक संदेश दिया ऐतिहासिक जीत का, मैं एक बार फिर मैनपुरी लोकसभा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ जसवंत नगर ने रिकॉर्ड जीत दिलाई है, वहीं करहल, किसनी, भूगांव और मैनपुरी, खासकर इन विधानसभाओं ने जो समर्थन दिया है, हम सभी समाजवादी लोग जनता का आभारी हैं। मुझे दुख है कि रामपुर में जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम नहीं आया। मैनपुरी के साथ साथ अगर रामपुर की भी जीत होती तो समाजवादियों की बड़ी खुशी का वक्त भी होता। ये जहां खतौली में समाजवादी पार्टी और अरली की जीत हुई है, रामपुर में सरासर बेईमानी हुई है। मुझे याद है जिस दिन जनसभा हमारी और आदरणीय आजम साहब की थी, जगह जगह पुलिस ने रोका लोगों को, प्रशासन पूरी ताकत झोंके हुआ था कि रामपुर में कैसे हार दिलाई जाए समाजवादी पार्टी की। और तमाम वीडियो हैं, तमाम लोग जो पिटे, तमाम लोग जो अपमानित हुए, तमाम लोग जो चोट खाए हैं, वो वीडियोस अवेलेबल हैं। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने को जो निर्णय लेना चाहिए था वो नहीं निर्णय लिया। मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के लिए दुखद बात है। हम लोगों की जीत का और अच्छी खुशी होती कि अगर रामपुर भी साथ जीते होते। अखिलेश जी, आज के जो नतीजे हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी सन 2024 के चुनाव में? जहां नेताजी के सिद्धांतों पे हम सबको चलना है, वहीं 2024 तक के लिए हमारे सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए इस चुनाव के परिणाम ने ऊर्जा दी है और नकारात्मक राजनीति का अंत हुआ है, ये संदेश इस चुनाव से यहाँ से गया है। शिवपाल सिंह यादव जी का और आपकी पार्टी समाजवादी में फिर से एक बार विलय हो गया है, मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अपने दल के। उन्होंने आज समाजवादी पार्टी में आने का काम किया है, साथ हैं हमारे। उनका जहां सम्मान होगा वहीं उनके कार्यकर्ताओं के जुड़ने से समाजवादी आंदोलन और तेजी से आगे बढ़ेगा। अखिलेश जी, सवाल अभी भी वही, क्या भूमिका क्या रहेगी चाचा जी? जब चाचा हैं हमसे बड़े हैं तो स्वाभाविक उनकी भूमिका भी होगी उसमें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।